टू आवर चैनल कॉमर्स दादा। आज कुछ नए फिर अकाउंटिंग जो हम लोग का सीरीज चल रहा है एमसीक्यूज, तो उसे मैं कुछ नए अकाउंटिंग से पूरे रिलेटेड बेसिक से भी चल रहा है, तो आइए उन सभी एमसीक्यूज को देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज, मीन्स अकाउंटिंग में आप लोग कई बार इकोनॉमिक इवेंट वर्ड सुने होंगे, तो इस इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब है? तो देखिए, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि लोग बोलते हैं कैश, तो अगर हम से कोई पूछे कि इकोनॉमिक इवेंट कैश होगा ऑप्शन क्या, कि नहीं, तो दैट इज नॉट द ऑप्शन, कैश इज नॉट द ऑप्शन। बैंक स्टेटमेंट, देखिए बैंक स्टेटमेंट भी हमारा कैश से रिलेटेड है, ठीक, लेकिन ये भी हमारा इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहलाएगा। ट्रांजेक्शन, नाउ देखिए, अब ये जो वर्ड हमारा आया ट्रांजेक्शन, तो वी कैन से दैट अबाउट द ट्रांजेक्शन कि दिस इज अ थिंग, दिस इज अ इवेंट वेयर द मनी इज इन्वॉल्व। ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी वेयर द मनी इज इन्वॉल्व, दैट इज ओनली कॉल्ड द इकोनॉमिक इवेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांजेक्शन ऑफ, दैट इज ट्रांजेक्शन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, जर्नल, लेजर, ये वो, दिस दैट, तो इसका सिक्वेंस क्या है, किस तरीके से, फर्स्ट में कौन सा, सेकेंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, तो इस सिक्वेंस को देखना है। तो देखिए, इसमें जो चार ऑप्शन है हमारे पास, वी नो दैट कि सबसे पहले हमारा जो है सो रिकॉर्डिंग होगा या आइडेंटिफाई, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हो, कम्युनिकेशन इज द लास्ट थिंग, तो इसको तो हमें कोई लेना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। रिकॉर्डिंग और आइडेंटिफाइंग दो वर्ड है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि वी मस्ट हैव टू नो व्हिच वन इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हिच वन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग, देन आफ्टर वी हैव टू रिकॉर्ड। इन ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड इज रिकॉर्डिंग, एंड देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन आफ्टर कम्युनिकेशन में जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इज इट ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटिंग, बहुत बार वर्ड आपने ऐसे भी जनरल लाइफ में सुना होगा कि ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग मीन्स कि जो हमने, यानी कि किसी अकाउंटेंट ने काम कर रखा है, किसी फॉर्म ने करवा रखा है, ट्रांजेक्शन्स करवा रखे हैं, उनका रिकॉर्ड करवा रखा है, तो उन सभी चीज़ों को, ठीक है, जो हमारा पहले से इंफॉर्मेशन रेडी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उनका जो एग्जामिनेशन होता है, चेक होता है, ठीक, उन उस रिपोर्ट्स को देखना, उसको फिर से रीचेक करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द अकाउंटिंग, और इसके लिए स्पेशल अथॉरिटी ही हमारा जो है सो असाइंड होता है। इसीलिए आप देखिएगा, ये जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है, और ऑडिटिंग डिपार्टमेंट भी अलग है, तो जो ऑडिटर बनते हैं उनका भी काम होता है। सो द ऑडिटिंग रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने लास्ट एमसीक्यूज में भी एक किया था, जो हम लोग का वीडियो था, कि इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र वाला जो क्वेश्चंस होता है वो कई बार बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सटर्नल यूज़र यानी कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो इतना हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका ज़रूरत किस किस को है, तो उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस वक्त है कि इसमें से बताइए कि आप कौन सा एक्सटर्नल यूज़र है। तो मैनेजर जो होता है वो बिजनेस का इंटरनल यूज़र होता है, सीईओ जो होता है बिजनेस का वो भी इंटरनल यूज़र है, बट क्रेडिटर जो है, जो हमारा उधार रखा हुआ है, जिनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं, वो लोग एक्सटर्नल यूज़र है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज
क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी वहां पर एक्सटर्नल था, अब है इंटरनल। तो इंटरनल में क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अभी तो जस्ट हमने देखा, वो नहीं आएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वो भी डायरेक्ट उनका लिंक हमसे नहीं होता है बिजनेस से, तो वो एक्सटर्नल हुए, राइट। अभी यहाँ पे इंटरनल पूछ रहा है। शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेसेस एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस, तो शेयर होल्डर्स आर द एक्सटर्नल पर्संस ऑफ द बिजनेस। सो मैनेजर ऑफ द बिजनेस आर नोन एज द इंटरनल यूजर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज मैनेजर ऑफ द बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जितने एसेट्स होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट का जो है सो कैरेक्टर क्या होगा। यानी कि एसेट तो है, लेकिन कब उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, किस बेसिस पे उसे हम बोले कि हमारा ये एसेट ही है, इम्पॉर्टेंट उसका क्या है। तो देखिए, लॉन्ग लाइफ ऑफ द एसेट, अगर कोई एसेट है अपने पास बिजनेस के पास और उसकी लाइफ बहुत लंबी है, तो सिर्फ ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा कि हम उसे एसेट मान लें। वैल्यू ऑफ एसेट अगर बहुत ज़्यादा है तो भी हम उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत उसको एसेट के रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसेट्स का जो है मेन काम है कि हमें फ्यूचर में, यानी कि लॉन्ग टर्म तक वो हमको फायदा पहुंचाए, इकोनॉमिक फायदा, यही काम होता है किसी चीज़ का, तो एसेट का। सो द करेक्ट आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव इज कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें दे, यानी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिले। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल फिल इन द ब्लैंक्स है द एसेट्स। अगर हम अपने एक्सपेंसेस का, बिजनेस अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, तो उसके एसेट्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज नहीं होगा। हम कैश दे करके जो है सो अपना लायबिलिटी एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, रिड्यूस, एसेट्स हमारा रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे एसेट्स में याद रखना है कि हमारा करेंट एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम अपने पेमेंट्स का जो है सो एक्सपेंसेस का जो है पेमेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज कि हमारा एसेट जो होगा वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे याद रखना है कि एसेट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट एसेट से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज डन। यानी कि रिकॉर्डिंग जो होती है जर्नल की, वो कब होती है, कितनी बार होती है, टू टाइम्स इन ईयर, रॉन्ग। जनरल के अकॉर्डिंग हम की रिकॉर्डिंग हम सिर्फ दो बार करते हैं साल में, गलत है। वंस इन अ टाइम, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि पूरे साल लगातार, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरे साल जब हमारा ट्रांजेक्शन होगा तब हम जो है फ्रिक्वेंटली अकाउंटिंग पूरे पीरियड में कभी भी जर्नल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, जर्नल का अलग नाम, एक दूसरा नाम क्या है। तो ये बहुत सिंपल है, लेजर इज नॉट द ऑप्शन, टी अकाउंट इज नॉट द ऑप्शन, सो द डे बुक, क्योंकि हम इसे डे बाई डे बेसिस पे हम इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, पर डे के बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जर्नल का एक दूसरा नाम जो है वो डे बुक पे है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो बिजनेस के प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करता है या फिर बिजनेस के प्रॉफिट को दिखाता है। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो सिंपल, आप किस स्टेटमेंट से प्रॉफिट का पता करते हो बिजनेस का, तो दैट इज़ द इनकम स्टेटमेंट, राइट। इनकम स्टेटमेंट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका यही काम है कि वो हमें प्रॉफिट बताएगा कि टोटल हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट।
ओके, वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द कॉमर्स दादा. एंड इफ देयर इज एनी डॉट एंड एनी रिक्वायरमेंट देन प्लीज मैसेजेस, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू, कीप वॉचिंग.